आशीर्वाद समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। भारत माता जी जय, भारत माता जी जय। समाप्त करो कश्मीर से आज निकल 35 समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। कश्मीर से आज निकल 35 समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। कश्मीर से आज निकल 35 समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। कश्मीर से उग्रवाद, एक बार नारा लगाओ बढ़िया करके, समाप्त करो। कश्मीर से उग्रवाद समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। कश्मीर से उग्रवाद समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। भारत माता जी जय, भारत माता जी जय, भारत। जोर से लगाओ नारे यार, क्या बात है। क्या नाम है? प्रदेश सचिव सुभाष कक्कर जी। आज क्या आपका रैली है भाई जी? ऐसा है कि आईडी कार्ड 35A को समाप्त करने के संबंध में आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोग देने आए हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर जी है, जब से आर्टिकल जो 35 ये है ये रखा गया था, तभी से जी है वहाँ के निवासी, वहाँ के लोग, वहाँ के जो उग्रवादी जो इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से कश्मीर को जो अलग करना चाहते हैं, उनको मंसूबों को पानी फेरने के लिए शिवसेना आज एक ज्ञापन देने के लिए महामहिम के नाम से जी महामहिम के नाम देने के लिए आई है। क्योंकि उस समय जो आवश्यकता थी कुछ समय के लिए कि 35 आर्टिकल ए को जो है जोड़ा जाए, लेकिन इसके बाद वहाँ पर जो है उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के बाद जो है उग्रवाद जो है वहाँ पर पैदा हुआ। आज वहाँ के जो है हिंदू, जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनको जो है भगाने का उन लोगों ने पूरा प्लान बनाया। लाखों कश्मीरी अपने पंडित अपने घर को छोड़कर छोड़ने के लिए मजबूर हुए और आज हिंदुस्तान के अंदर ही है, जो हिंदुस्तान का बाशिंदा हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है और हिंदुओं का जो देश के अंदर रह रहा है उसे जो है उन लोगों ने, ये उन मुसलमानों ने, उस लोगों ने, उग्रवादियों ने वहाँ से ये भगा दिया। आज वो शरणार्थी बनकर जी अपने कैंपों में रह रही हैं। बहुत समय से मांग थी कि भाई अपना उनको बसाया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी जो है उनकी सुनने को तैयार नहीं हुए। आज भी वो कैंपों के द्वारा भी यहाँ रह रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। हमारी मांग है कि उन लोगों को बसाया जाए और उसको बसाने के साथ साथ ये हिंदुस्तान एक हो और वहाँ से आर्टिकल 35 जो है ये समाप्त किया जाए।